Hi guys, I'm Shruti. Welcome to another episode of Game Night with S. And today, as you can see, we have another situation. And I'm very excited about this. I have two very special people with me on the show today. And I'm very happy and excited to welcome Payal Pathak and Soham Payal Pathak from the Simply Salad. So, hi guys. Hi Shruti. Hi, how are you? I'm good. How are you? Good, good, good. Hi, how are you? Good. Come, sit. Hi guys, welcome to Game Night with S. I'm super excited to have you guys. Since the time I first saw the episode on Shark Tank, I was like, I have to have you guys. So, welcome to Game Night with S. Thank you. How are you feeling today? We are very excited. Excited? Yes. Yeah. After all the delays that we've had, quite a day. No, it was like, we are taking everything positively because there's a lot of response coming in from all parts of India right now. Yeah. Good. That's very kind. Talk to me about your journey. Like, let's start from the beginning. What made you want to start a business, like a food business, and especially salads? Like, whose idea was it? Was it your idea? Was it his idea? Whose idea was it? COVID से पहले हमारा PG का business था. वो totally shut down हो गया था. और source of income कुछ नहीं था as a single mother. तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ ऐसा स्टार्ट करें कि जो कोविड में हमें थोड़ा हेल्पफुल, क्योंकि एक तो कोविड का डर था कि कुछ भी करें तो कोविड हो जाएगा, ये होगा. जिस एरिया में हम उस टाइम पे रह रहे थे वहाँ पे स्विगी जोमेटो काफ़ी चल रहा था, तो हमने सोचा फूड बिजनेस ही करते हैं. पर फूड बिजनेस में मुझे कुछ पहले से ही मेरा ऐसा था कि, और मैं बेसिकली सौराष्ट्र से हूँ, तो हम लोग बिजनेस ऐसा करता है जो मोनोपोली वाला होता है. सो मुझे कुछ ऐसा करना था ऐसा करना था जो कोई नहीं कर रहा है. तो और मैं काफ़ी 3 साल से मैं मेरी वेट लॉस जर्नी में थी और मैं खुद फूडी हूँ, तो मुझे सलाद खिलाना तो बहुत मुश्किल था. सो मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज ट्राई की थी. सो मुझे लगा कि क्यों ना यही हेल्दी फूड, क्योंकि कोविड के टाइम पे हेल्दी फूड का डिमांड भी था. हाँ. कि हाँ, हमें चाहिए हेल्दी फूड. सोचा कि क्यों ना ये हेल्दी फूड हम डिलीवर करें. लेकिन वो क्वेश्चन आ रहा था कि वो उनके डोर स्टेप तक कैसे डिलीवर करें, क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे डिलीवरी में बहुत इश्यूज थे. वो सब रिस्ट्रिक्शन हैंडल करी और मैंने रेसिपी पार्ट हैंडल किया. अब लेबर के काफी इश्यूज आ रहे थे बिकॉज कोई रेडी नहीं हो रहा था काम करने के लिए. सब वही डर रहे थे कि कोविड ना हो जाए, तो हमने उसी चीज को टैकल किया. और तब एक ही बंदा था, मैं और मॉम, हम 3 लोग की टीम थी. वहीं से स्टार्ट किया. दिन के 5 ऑर्डर आते थे और आज हम दिन के 80 से 90 ऑर्डर आसानी से डिलीवर करते हैं. wow. जो हमारे सिर्फ पर्सनल ऑर्डर है Zomato Swiggy, तो इसमें मैंने नोट भी नहीं किया. oh, wow. So that has been the journey. We have taken very small steps. After all, it's a COVID baby. तो हम चाहते थे कि इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिले, प्रॉपर डेवलपमेंट मिले. सो दैट वाज व्हाट वी बोथ वांटेड. या सो मतलब योर इंस्पिरेशन वाज दैट यू वांटेड टू डू समथिंग दैट नो वन एल्स वाज डूइंग. And you wanted to do something that was easily, you know, in the time of COVID, जो लोगों तक easily आप पहुँचा सके and you know hassle free हो, और you know it gives a healthy option for people to remain healthy during the time of crisis. और मेरे वेट लॉस जर्नी में मैं जब थी तो मैंने काफ़ी बाहर सलाड आउटलेट से मैंने सलाड मंगा के देखा. okay. तो उसमें वो फ्रेशनेस नहीं थी. yeah. उसमें वो टेस्ट नहीं था जो मुझे एज अ फूडी, मुझे अगर डाइट करना है तो मैं वो कर पाऊँ. सो वो सब चीज़ें जो मैंने मार्क किया था उसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखा कि अगर ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है तो फ्रेशनेस तो मिलना ही चाहिए मेरे सलाद में. अगर डब्बा खोले तो प्रेजेंटेशन नहीं है. सो क्योंकि लोग क्या होता है कि सबसे पहले आँख से खाते हैं, उसके बाद हम खाना स्टार्ट करते हैं. तो एकदम से वो एक टेम्पटिंग लगना चाहिए जैसे अभी लग रहा है. सो वो सब चीज़ें हमने हमारे उस पर ध्यान रखा. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट. यू पॉइंटेड टू द सैलेड एंड आई कांट वेट टू गेट इनटू इट. आई एम रियली हंग्री. सो आई मीन कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट आर दीस सैलेड्स, लाइक व्हाट द टू सैलेड्स आर. सो द फर्स्ट वन इज स्प्राउट्स भेल सैलेड. ओके. सो अगर मैं आपको बोलूंगा आप स्प्राउट्स खाओ तो आप नहीं खाओगे बिकॉज रॉ है. पर खा सकती हूँ. हाँ, बट आई गेट योर पॉइंट. मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं. सो बट मैं आपको बोलूँ, I'll give you a basil mint chutney, a cranberry chutney and multigrain mamra and then you mix it and you'll feel like you are having a bhel at Marine Drive. So, wo ek concept. Ye cranberry chutney hai. Yes, because amli ki chutney is again unhealthy. Achha, so, what reason? So, there is a lot of sugar, yeah, sugar and okay. also the jo khattapan hota hai, that is also not good if you see. But cranberries are dried and they are not sweetened. Okay. So, there's no sugar and the calorie amount gets very less. So, you can have it till a point. And
when we are having so much healthy food, if 5 or 10% is on the side of semi-healthy, then it's totally acceptable by all dietitians. Great. And talk to me about this so salad. This is our signature bowl. So I would say this is our Monday salad called Magic Salad Bowl. क्योंकि क्या होता है कि सैटरडे संडे हम काफी बाहर का खाते हैं तो उसके बाद हम ये सबको देते हैं और डिटॉक्सिफाई करते हैं बिकॉज इट्स फुल ऑफ फाइबर्स देयर्स लेट्यूस देयर्स कॉर्न देयर्स ककुम्बर एंड इट्स आल्सो हैज पनीर सो देयर्स प्रोटीन एंड देयर्स क्रैनबेरी एंड देन देयर्स द ड्रेसिंग विच इज ऑफ वेरी मैजिकल ड्रेसिंग सो इस सैलड का रियल में नाम था फार्म फ्रेश गार्डन ग्रीन सैलड पर जो हमारे कस्टमर्स थे जब इसको खाते थे तो ऐसा बोलते थे कि जब ये टेबल पे आता है तो कुछ मैजिक करता है तो फिर तब से हमने इसका नाम मैजिक रख दिया कोई इसके पीछे का बैक स्टोरी नहीं है और आज हम देख रहे हैं कि जो दूसरे सैलड आउटलेट्स है वो लोग भी एक मैजिक सैलड लाने की ट्राई कर रहे हैं जस्ट टू कॉपी अस सो दैट इज व्हाट हैपेंस इन दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट व्हेन समवन स्टार्ट्स इमिटेटिंग यू या आई थिंक इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट कि आपने यू नो व्हेन यू स्टार्ट यू डोंट थिंक कि ये इतना वो आगे तक जाएगा But I think that's the definitely mark of it, and that's the validation that you guys must feel. Ki chalo, we succeeded in building this. Yeah. So let's get into it a little bit. Please. And okay. Acha. I can't wait to eat this. It's really, and ye dressing ka kya taste hota hoga? डिटेल आपने पनीर डाला है But it's not like, you know, normally paneer ke saath kya hota hai ki it stands out too much. Kaise dikhta hai. And sometimes, you know, people who want to avoid protein, they will just take out the chunks. Yeah. People like me. But acha ki aapne ki, you know, you've like, ek aapne alag se usko dice karke, itna chote chote grated karke aapne usko dala hai ki koi nikal nahi sake usko. Aur ek aur cheez hai, jab paneer ko aap grate karte ho, saath mein wo olive oil mein mix hota hai, to uska ek polished flavor aata hai. Okay. That is it. So, इसमें ऑलिव ऑयल है? हाँ. Okay. Let's do a taste test. Oh wow. I love it. Great. जो ये सलाद का जो है उसमें सॉल्ट नहीं है. Oh. ड्रेसिंग में भी सॉल्ट नहीं है. That's a very good thing. हाँ. क्योंकि मुझे पता नहीं चला एंड आई एम समवन मेरे घर में हु लाइक्स टू हैव गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट इवन व्हेन आई ड्रिंक बटर मिल्क तो उसमें भी मुझे नमक चाहिए जीरा चाहिए यू नो मसाला चाहिए बट मुझे इसमें कुछ ऐसे स्ट्राइक ही नहीं आप बोलते नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया हुआ सैलेड का एक रूल है लेस सॉल्ट मोर पेपर Okay. So we always go by that because salt पानी छोड़ता है। हाँ, right, right. अगर कोई हमें पूछता है कि हम इसमें salt add कर सकते हैं, हम बोलते हैं कि at your risk। हाँ, because I get it, osmosis होगा उसमें। Healthy खाना तो you can avoid always। Yeah. You should also try this one. This one. Yeah. Okay. I actually love salads. मैंने the best memory of my You know, me eating salad is when I was in Dubai. और दुबई मॉल में cheesecake factory है yeah. तो वहाँ पे मैं थी थोड़े साल पहले की बात है एंड वहाँ या वहाँ पे मैं थी एंड वहाँ पे मैंने सैलड ऑर्डर किया एंड इट वॉज वेरी बेसिक सिंपल सैलड कुछ ऐसे था कि सिर्फ लेटस था उसमें एंड सिर्फ टमेटोज या ऐसे ही कुछ था तो मेरे को लगा इसको तो क्या ही टेस्ट होगा मतलब यू नो कि ऐसे कुछ खास मैंने खाया उसको I don't know what dressing, कुछ dressing ही उन्होंने अच्छा जैसे आपका भी ये the salad becomes more palatable because of the dressing. कि जो उसका वो chili flakes का वो जो एक spiciness आ रहा है तो it feels like a wholesome meal. So I can understand when you say that कि you know कि आपके
दिस इज द रिप्लेसमेंट फॉर अ मंडे मील, आई गेट इट, बिकॉज कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें, लाइक कोई भी ऐसे आपको मिस नहीं होगा कि मुझे मुझे रोटी सब्जी खाना है. एंड वी एज गुज्जूज हैव द स्वीट टूथ, या इन एवरीथिंग वी नीड समथिंग स्वीट, सो दैट इज फुलफिल्ड बाय द स्वीटनेस ऑफ हनी, स्वीटनेस ऑफ क्रैनबेरीज, सो इट कीप्स रोटेटिंग इन योर माउथ. सो क्या होता है जब आप इसको खाते हो तो ये सैलेड आपके पैलेट पे जाके डांस करता है. बट दैट्स ट्रू, मेरे मुंह में अभी भी वो टेस्ट है उसका, ये चिली फ्लेक्स और वो ड्रेसिंग का पूरा. हाउ डिड यू गाइज डिसाइड कि आपको शार्क टैंक में जाना है, लाइक वॉट वॉज दैट फर्स्ट दैट थॉट और दैट स्टेप व्हेन यू गाइज वर लाइक कि हाँ यू नो वी आर सिक्योर इनफ कि हमको ये यू नो वी वॉन्ट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड वी वॉन्ट टू गो टू शार्क टैंक. शायद थर्ड वेव चल रहा था कोविड का और हम दोनों को कोविड हुआ था, दोनों अलग अलग रूम में थे और उसने मुझे फोन करके पूछा मम्मा ऐसा कुछ फॉर्म है भरू, तब मैंने नहीं देखा था शार्क टैंक. तो मैंने बोला, क्योंकि उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी नहीं थी क्योंकि इनकम इतना नहीं था, तो मैंने बोला कुछ पैसे भरने का है तो मत भर फॉर्म, अदरवाइज भर दे जो मम्मी यार रेगुलर करती है, वैसे ही जवाब था मेरा. तो उसने भर दिया वो फॉर्म. जब सेकेंड राउंड आया तभी वो सब डिटेल भरना था, तो मुझे वो पूछ रहा था, मुझे लग रहा था कि ठीक है अभी सेकंड राउंड भरेगा फिर हमारा थोड़े ही आएगा. वो खुद बोल रहा था कि 85,000 या समथिंग एंट्री आती है पूरे इंडिया से. ओह 1,85,000, दैट्स द स्टैटिस्टिक ऑफ द एंट्रीज दैट कम. एंड सिलेक्ट कितनी होती है? 150. ओह वाओ. सो और जब थर्ड राउंड आया, जब उन्होंने बोला कि अब आपको मुंबई आना है, तब जाके मैंने शार्क टैंक देखना शुरू किया. oh. कि अब रियल आ रहा है, अब मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि तब ऑर्डर्स इतने चल रहे थे और तब की सिचुएशन भी ऐसी थी कि मैं बिजनेस में से बाहर नहीं निकल पा रही थी. सो तब मैंने स्टार्ट किया देखना और काफ़ी सारे फूड के ही थे जो मतलब काफ़ी इंस्पायरिंग थे, तो मैंने उसमें से ही वो लिया कि जैसे हमारा तो एकदम ऑर्गेनिक था तो हम उसी वे में गए जैसे हमने पढ़ाया है ऑर्गेनिक वे में. सो वैसे ही हमारी जर्नी रही. थर्ड राउंड के बाद हम जब आए तब हम हमको बोला गया था कि फोर्थ राउंड के लिए आपको नहीं तो मतलब थर्ड राउंड एज इन की जब आपने फॉर्म भरा. नहीं, फॉर्म होता है फर्स्ट राउंड. हाँ ओके. उसके बाद आता है वीडियो. वीडियो ओके, वीडियो में हाँ. मतलब आपसे वो चैट करते हैं. पिच करना. यस. ओके ओके ओके. और थर्ड राउंड होता है जब आपका वीडियो अप्रूव हो गया. सो 85,000 में से अराउंड आई थिंक सो काफी कम लोग होते हैं जो मुंबई जाते हैं. ओके. जो मुंबई जाते हैं वैसे कुछ लोग कोलकाता जाते हैं, कुछ लोग दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर, दिल्ली. सो स्कैटर्ड होता है. जैसे अगर आप नॉर्थ रह रहे हो तो यू विल गेट दिल्ली एज योर ऑडियंस. सो हमारा मुंबई था बिकॉज वी लिव इन द वेस्टर्न पार्ट. सो मुंबई गए तब हमारे आजू बाजू जो लोग थे ऑडिशन में उनका रेवेन्यूज वाज इन लाख्स एंड करोड़. या सो दिस टाइम पीपल लाइक बिजनेसेस विद इमेंस रेवेन्यूज हैव कम ऑन द शो. सो हम डर गए कि नहीं था अपने रेवा दिए. दैट वाज द feeling yeah, I got. Yeah. But somehow we had to give in. Survival is the main skill of an entrepreneur. So that was similar for us. And we had to do something and come. Yeah. So हम गए अंदर, 1 hour का हमारा चला. जैसे आपको salad पसंद आया वैसे ही जो अंदर बैठे थे उनको भी पसंद आया. And after that we had to wait quite a long time. And then we got a main call from our for a studio round. Hmm. Wherein we were selected for the Shark Tank. तो मॉम वाज हैविंग अ लंच और मम्मा ने तब ऐसे खाते खाते खुशी में चिल्लाया. मैं कॉलेज में था, मैंने भी वहां एक जंप मार दिया. सो दैट वाज तो आपको अलग अलग पता चला. हां, वी गॉट अ मेल. सो दैट इज हाउ इट हैपेंड. बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. स्टिल आई एम नॉट एबल टू बिलीव दैट वी डिड शार्क टैंक. सो इट टेक्स टाइम टू टेक इन. या या, इट्स गोना टेक अ व्हाइल टू प्रोसेस एंड यू नो इट्स आई थिंक गोइंग ऑन शार्क टैंक इज जस्ट वन स्टेप दैट यू गाइस टेक. आई थिंक योर जर्नी इज long, like yes, you know, it's a long way, it's yeah. a long तो road ahead. हमारी गाड़ी रनवे पे आई है. Exactly. अब भागेगी. अब भागेगी. Very nice. Yeah. When I saw the episode also, this was also one of the things जिसकी वजह से I was like I have to have you guys because there's so much heart, you know, like how you say that you do things for her and she's also like all the time like, you know, the bond is so strong and real and it shows also. And there were few other people also, you know, like all from the same city. There were other people who had also been on the show yeah. and everything. But I was like, no, I want to have these guys for sure. Like, I don't know about other people. Like, I might have them, not have them. I don't know. But I want to have these guys for sure. Like, you know, they just won my heart because it's and I was going to tell you, like, congratulate you that you have such a
lovely son. In today's world, I feel like this is the biggest, treasure, you know, that you have. The bond that you guys have, which is very rare. And yeah, it's very heartwarming to see that. Talk to me about how do you come up with recipes? Like, just aapne, you know, you've shown me like so many different types of recipes, and like this bhel concept that you've included, which reminds you of Marine Drive, like you said. So who comes up with the ideas? Like, what, like, where do you derive inspiration from to create the salads recipes that you create? What is the idea process like? सबसे पहले तो जो भी हमारे कस्टमर थे उनको मुझे ऐसा नहीं था कि एक बार सलाद मंगाया और बंद कर दिया. मुझे वही फूड को उनका लाइफस्टाइल बनाना था. ओके. और लोग जल्दी सलाद से थक जाते हैं. वो एक मतलब है कि अब थोड़ा रोटी सब्जी पे आ जाते हैं. या. तो हम लोगों ने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि दिस इज अ बैलेंस मील. मतलब एक जना जो दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा है, वहां से वो अगर हेल्दी वे में जा रहा है, सलाद खाने के लिए जा रहा है, तो उसको उसकी प्लेट में सब कुछ टेस्ट मिलना चाहिए. जैसे वो दाल चावल सब्जी रोटी से सेटिस्फाइड हो रहा है, वैसे ही उसको एक सेटिस्फेक्शन आना चाहिए कि नहीं, दिस इज व्हाट माय मील डन. या क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सलाद खा लिया, आज मैं डाइटिंग पे हूं, मैं आज सलाद, फिर और भूख लगती है. हां, फिर शाम को पानी पूरी खाने का मन हो जाता है. दैट्स अ रेस्ट्रिक्टिव, ओवर ईटिंग हो जाता है या फिर शाम को. या सो वो चीज ना हो, उसके लिए हमने कुछ उसमें ऐसा ट्विस्ट रखा है. जैसे ये है वो फार्म जो हमारा मैजिक सलाद है, तो उसके साथ हम डिटॉक्स देते हैं, उसके साथ ये ड्रेसिंग रहता है, तो उनको फुलफिलिंग रहता है. जैसे हमारा सोते वेजिटेबल है, तो उसके साथ उनका मिंट डिप रहता है, थोड़ा क्रंच रहता है साइड में, तो वो भी एक उनका फुलफिलिंग रहता है. सो उस तरह से वो ओवर ईटिंग ना करें. और दूसरा, अगर हम रेसिपी पार्ट पे आते हैं, तो अगर मैं जो सब दे रही वैसा ही दूंगी, तो मेरे में और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा. दूसरा चीज ये था कि अगर मुझे वो फ्रेशनेस और वो सब बरकरार रखना है, तो थोड़े थोड़े टेक्निक्स है, मैं आपको बताऊंगी. फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर ये कॉर्न देखेंगे, ये कॉर्न बाजार में अगर आप जाओगे, अगर आप फाइव स्टार होटल में भी जाओगे, तो आपको ये कॉर्न फूला हुआ नहीं दिखेगा. ओके. सो हाँ, काफी जगहों पे होता है ऐसा. मतलब ये थोड़ा टेक्निक है. बाकी तो हम लोग बेसिकली सौराष्ट्र से हैं, तो बोलते हैं ना कि सौराष्ट्र वालों को भगवान की तरफ से वो होता है कि मतलब हाथ का जादू है ये. अच्छा, ये बोल सकते हैं आप. Okay. सौराष्ट्र के लोगों को खाना खाने का और खिलाने का बहुत शौक होता है, ऐसा वरदान मिला है उनको. अच्छी बात है. डन क्योंकि खाली सलाद ही अच्छा नहीं बनाती हूँ, और बहुत सारी चीजें जो मैं अच्छी बनाती हूँ. परफेक्ट, आई विल ट्राई समटाइम. बट टॉक टू मी अबाउट, जैसे आपने बोला कि यू वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड यू नो, एंड यू सक्सीडेड इन डूइंग दैट. यू सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, यू नो, फॉर सैलड्स, एंड चेंजिंग पीपल्स माइंडसेट अबाउट की लुकिंग एट इट एज अ बोरिंग फूड, फ्रॉम बोरिंग फूड टू इंटरेस्टिंग हेल्दी फूड वेयर दे वॉन्ट टू ईट इट. बट like say for example people who have like food restrictions, like say for example people who have allergies, you know, how do you cater to those people? Like aap wo orders kaise manage karte ho, what precaution, what care do you take? Because you know, food sensitivity is also a big issue. Aajkal chote chote bachchon mein food sensitivity ho raha hai, you know, because of unhealthy digestion and you know so many other factors. Yeah. So talk to me about that, ki aap वो एक बहुत बड़ा कंसर्न, यू नो, ग्रोइंग है, तो आप उसको कैसे डील करते हो उसके साथ? सो जो हमारे रेगुलर ऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें हम जो आप बता रहे हो ना स्पेसिफाइड कस्टमाइजेशन, वो ऑर्डर्स हम लेते ही नहीं है. हम उनको बोलते हैं कि आप स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जैन है, तो अगर हमने वो बना भी दिया और डिलीवरी के साथ उनको भेज भी दिया, बाई चांस उनका कुछ आगे पीछे हुआ, कोई और पार्सल चला गया, तो उनका मील कॉम्प्रोमाइज होता है. तो हम वो चीज उनको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि आप दूसरे जो ऑनलाइन ऑर्डर्स है, या तो आप पिकअप कीजिए, तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, उसका हम प्रॉपरली फॉलो करके हम उसको वो भेजते हैं. ओके. बट आप इस पर सिर्फ ऑनलाइन में क्यों, मतलब आप पर्सनल ऑर्डर नहीं लेते हैं कस्टमाइजेशन? सो आई विल एक्सप्लेन यू द बाइफर्केशन. ओके. सो वी हैव टू प्लेटफॉर्म्स. एक है हमारा सब्सक्राइबर काउंट, जो मैंने आपको बताया 80-90. राइट. सो अगर वो सब्सक्राइबर में कोई एलर्जी वाला आता है, वी टेल देम दैट वी डू नॉट टेक सब्सक्रिप्शंस फॉर एलर्जीज. ओके. वी टेल देम टू ऑर्डर फ्रॉम Zomato, Swiggy, और do a pickup from on a daily, like weekly requirement basis. So if you're a Jain or if you're a keto diet or something, so we cater to it personally, because what happens ki ek baar subscribers chale jate hain, subah orders nikal jate hain, uske baad hi log aate order lene ya bolte hain,
तो तब हम उनको बोलते हैं आप घर आइए या फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, उसमें इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि आपको क्या क्या एक्सक्लूड करना है, हम उस हिसाब से आपको केटर करेंगे। और वो बहुत we take a lot of care and we do those orders very seriously because we understand कि अगर कोई चीज गलती से भी आ गई then it could lead to serious health issues. Yeah. So you mainly you're like into the lifestyle and stuff, but you're not planning to cater to like different customized packages or something as of now. While you're scaling any business, customization is not possible. Exactly. So अगर आप Subway समझते हो, Subway can do that, but it is again unhealthy option. So when we go towards more scaling and opportunities, we can cater either 90% or we can go for the 10%. Yeah. So we should choose whichever gives you more profit. Yeah, that's true. That's true. To me about like, what is the one thing that you would like people to know about the Simply Salad? Like, you know, like so many people have like a mantra or a motto. Yeah. Or something that is a foundation of their brand, which is like, this defines us. So have you guys defined something like that? What is that one thing which, you know, somebody would think of Simply Salad and they would be like, this word should come to their mind? So hamara ek tagline hai, soch swad aur sehat ka samanvay hai the Simply Salad. Oh wow. आप इसको थोड़ा elaborate कर सकते हैं? बिल्कुल, सोच मतलब कि हमने ये नई नई रेसिपीज सोची और उनके प्लेट तक पहुंचाया। राइट। स्वाद मतलब जो हमारा खाना है उसमें स्वाद है, टेस्टी है। या। और सेहत मतलब ये खाने के बाद उनकी हेल्थ बेटर हो रही है। तो सोच स्वाद और सेहत का जो समन्वय है is equal to the Simply Salad. Samanvay is harmony of all ingredients, all things coming to your plate. हम जो भी खिलाते हैं वो दिल से खिलाते हैं. Good, good, interesting. So like it's a harmony of all the components coming together. Yes. And yeah, that's a very good thought. That's a very good thought. So great. Now we'll move to a little more fun segment, which is called In One Word. Done. So I'm going to ask you a question and you guys have to answer for that question in one word. Okay. Done. Okay. So number one, Simply Salad to me is, what does it mean to you? Love. Love? Yeah. Nice. And for you? Career. Okay. Nice. Number one thing you wish to achieve with Simply Salad is? Is success. I would say you're going to make me cry. Yeah, you go ahead. A chain, food chain. Yes. Nice, very nice. The best thing about working with your son is? Best thing working with I'm not asking son. The worst, huh? The best. Best. I think you have worst in the mind. She would have said mischief. Yeah, I think she had the worst in mind. Yeah. She had put time laga. Yeah, tell me. Bond, maybe? Like trust bol sakte ho? Mujhe sochna pad raha hai, to aap socho ki best thing hoga ki nahi hoga, wo socho. This is not a good look on you, by the way. Yeah. That she has to think of a best thing of working with you. Actually, I'll tell you, he is all-rounder. He is perfect in his all that thing. So, mujhe sochna pad raha hai ki kaun sa main bolu. She has redeemed herself also. Yeah. Pehle she went to another route and उन्होंने recover कर लिया अपना damage जो भी था recover हो गया. मम्मी का वही होता है, पहले डांटो फिर cover करो. Recover हो गया उनका. चलिए आप, what is the one best thing about working with your mother? Learning. Yeah. Because what have you learned till now? So, the number one thing. Before I was in college, 12th में हमने start किया था. तो लर्निंग वॉज इन बिकॉज शी हैज डन अ ओल्ड बिजनेस ऑल्सो जो शट डाउन हो गया बिकॉज ऑफ कोविड, बट उसमें से काफी लर्निंग जैसे मार्केटिंग, लेसर अमाउंट प्रोक्योरमेंट. सो व्हेन यू आर प्रोक्योरिंग योर मटेरियल्स द मेकिंग कॉस्ट गोज डाउन, सो इफ यू बाय एट अ लोअर कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कम कैसे करें कि लोगों को ज्यादा, मतलब कोई आज आपके घर में यू आर हैविंग अ क्लाउड किचन एंड 10 पीपल आर वर्किंग, out of which only 8 are working, if you see in an economics manner, and 2 are not working, then why are you having those 2 people? She make me understood that use optimum amount of resources, try to reduce the leisure of people so that they give in more productiveness. That was what
आई गॉट टू लर्न फ्रॉम हर अकाउंटिंग ऑब्वियसली या आई थिंक क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आजकल बहुत फैंसी यू नो इट्स इट साउंड्स वेरी लुक्स वेरी फैंसी कि वी हैव अ टीम ऑफ दिस दिस मेनी पीपल वी हैव दिस पर्सन फॉर दिस डिपार्टमेंट बट एक्चुअली what is important is how much work you're getting done how much work is that person getting done and how productive that person is for your business so that's a very good thing we chose productiveness instead of flattery that's very good jo bhi hamare employees hai kafi sare matlab purane jo 15 saal se hai 8 9 saal se hai 6 7 saal se hai kafi purana hamara ek team hai strong team hai okay aur jab zyada log hote hai to aapko zyada logo ko khush rakhna padta hai कम लोग होते हैं तो कम लोग को खुश रखना पड़ता है एंड देयर इज वन सेइंग व्हिच इज वन हैप्पी एम्प्लॉय ब्रिंग्स 10 हैप्पी कस्टमर्स सो यू ट्राई टू गिव इन मोर टुवर्ड्स एम्प्लॉयज बिल्ड ट्रस्ट मेक देम बी लॉयल टू यू एंड दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू गिव बैक इन एनी मैनर ट्रू ट्रू वेरी वेल सेड वन मिथ दैट पीपल हैव अबाउट ईटिंग सैलड्स दैट यू वांट टू ब्रेक इज स्पेशली लोगों को सलाद मतलब ककड़ी टमाटर प्याज सो वो चीज़ हटा के आप अपने मील को रिप्लेस करके एक बैलेंस मील जो ये हेल्दी मील है उसको आप ले सकते हो क्योंकि लोगों के दिमाग में वही है कि वो जो ककड़ी टमाटर वाला जो सलाद है वही सलाद बोला जाता है वो मील नहीं बन सकता वो एक मिथ तोड़ना चाहते हैं हाँ कि एक मील भी हो सकता है इट्स नॉट जस्ट एक हल्का फुल्का स्नैक बट इट कैन बी अ होलसम मील Reducing weight. So people have this myth ke salads is reduce karta hai weight. Okay, but not other than reducing weight, there are people who don't need to reduce weight. There are people who need to gain weight. So we should not attach this with our weight. We should keep it towards maintaining a healthy lifestyle. Because there are people who have more weight but they are normal, they are healthy. So they can also have this salad. There are chances that you might reduce weight because of this and your determination. So that is a combination. But I would say that this salad could be more towards maintaining a healthy lifestyle. Yeah, it's not just about salad. Is not just about losing weight or like diet. Diet food. But it's like a healthy option. It's a complete balance meal. Complete balance. Nice. The star salad of the Simply Salad is. Magic salad. Yeah, I had it. It's very nice. Now we'll clear the setup and we'll play a little fun game with you guys. So let's clear the setup. So today, this is the only setup that we have for game. Let me explain to you guys. So it's a blindfold. What we are going to do is, both of us, like we're two teams, so either you or either you can wear the blindfold. And we'll make you smell different things. Okay. So you have to guess what that item is that you're smelling. Okay. And so the team, the person who guesses like the maximum number of items wins. So who's going to play? I'll go first. You'll go? Yeah. So it's just like out of the two of you, you are going to play. Yes. Because we're just having... No, then she should play. She'll win. She's just good. Decide. She's, whatever she's you good. Guys want. She's good. You're going to play? Yeah. Yes. I think she'll win, yeah. Yeah. So you can just wear the blindfold and I'll just get the stuff. Okay, so I'm going to make you smell these things. Okay. I feel like these are such easy things that aap jeet jaoge. Mujhe bhi nahi pata ye kya hai. So I think aapko pata hoga. Can you come closer? Yes. Can you smell this? नहीं स्मेल नहीं आ रही मेरा नोज एक्चुअली ढक गया है ओके सॉरी आप ऊपर कर लो उसको थोड़ा सा मेरा आईज बंद रह गया ओके आप पकड़ नहीं सकते उसको आपको सिर्फ स्मेल करना है पकड़ोगे तो पता चल जाएगा आपको थोड़ा पास आओ मुझे कुछ तो स्मेल आया पर मुझे पता नहीं है ये क्या है डू यू गिव अप ओलिव्स नहीं ओलिव्स नहीं है सो इट्स रॉन्ग आंसर पर कुछ स्मेल आ ही नहीं रहा है स्मेल तो है बट इट्स आई थिंक आपके हाथ में कुछ स्मेल है मतलब नहीं, नहीं. आपके हाथ में ओके लेट मी टेक द बिगर वन यस Long? Nay. Okay, then this is. No, you don't have to remove it. Okay. ये तो बहुत easy चीजें हैं. आपको पता चल ही जाएगा. आ तो थई जैसे मामा. Don't encourage like that. No.
आप तो कुक है, आपका नोज यू कांट चीट. चलो मैं आई, मेरे को थोड़ा होप लग रहा है. गुजराती जलेबी है यार. कौन से? मेरे को थोड़ा होप लग रहा है मेरे जीतने का. दिस इज द थर्ड आइटम. हां ये तो मतलब ये तो आना चाहिए. कम ऑन, ये नहीं आ रहा. स्मेल ही नहीं आ रही एक्चुअली. Oh my God, there is a smell. There is a smell. थोड़ू थोड़ू close up. हाँ, yeah. No. This was the easiest. Oh my God. Okay, okay, okay. ठीक है, चलो. ये नहीं नहीं नहीं. ये तो आपको आएगा. So we have done 1, 2, 3. Okay. Now 2, 4 are more remaining. 4 or 3 or more remaining. तो ये तो आपको smell आएगा ही इसका. I think easy. ये तो easy है. I'm एक point तो मिलेगा. ये तो मिलना ही चाहिए. ये तो मिलेगा. Come on, now we are cheering for you. Actually, इसमें कोई smell ही नहीं आ रहा. ये जो इसका जो नया है ना, तो इसका smell है. Even आप भी पहनोगे तो आपको feel आएगा. एक minute. Okay, चलो. थोड़ा नजदीक रख. हाँ, हम करते हैं, वापस करते हैं. ये तो बहुत easy है. नहीं, आई नहीं रहा पास में. नहीं, स्मेल ही नहीं आ रहा. आप इसको थोड़ा ऊपर करो. मुझे बता. एक काम करते हैं, बाकी के स्मेल तो आ गए. बाकी के दो है ना वो. ठीक है, चलो. इसमें स्मेल आ रहा है एक. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ये हम आपको एक देंगे क्योंकि आपने इसको प्रीवियसली गेस किया था. हाँ, ये लॉन्ग था. हाँ, आपने पहले गेस किया था, पर इस अभी आप नहीं कर पाए. लॉन्ग का ही स्मेल आ रहा है. तो हम आपको 1 point देंगे. ओके, बिकॉज़ यू हैड ऑलरेडी गेस्ड इट. चलो, नाउ दिस इज द Which item? 1, 2, 3, 4. Fifth item. No, 1, 2, 3, 4. Okay, fifth. Fifth. Smell तो आ रहा है यार. This is a good चल, one. I hope. हाँ. Now I am rooting for you. कि भाई आप, you know. आया? Coffee? No. Do you want to take another guess? Try करो. इधर. बहुत इजी है ये. मसाले अच्छे. मरी? नो, समथिंग ऑफ दैट फैमिली. नॉट फैमिली बट लाइक समथिंग लाइक यू नो अ ड्राई स्पाइस. इलायची? This is the next one. वो वाला हो गया. Okay, perfect. कार्डमम. स्मेल आ रहा है. Yes, yes, yes. So, and I think there's one more item left. मेरे को भी नहीं पता ये क्या है. But I think ठीक है. इसमें तो स्मेल भी नहीं आ रहा है. So let's not just choose it because इसका स्मेल भी नहीं है कुछ. इसका कुछ स्मेल भी नहीं. नहीं नहीं. Okay. So yeah, you can remove it. And आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि what were the things. अचार नहीं गेस कर पाया आप. अथाणु है तू. एंड चाय. चाय चाय तो फेवरेट. बट एनीवेज आपने दो आपको मिला. 2 points यू गॉट. सो नाउ इट्स माय टर्न. आई कांट सी एनीथिंग. हां हां. आई होप इजी हो कुछ. शुड आई बी स्कैर्ड? नो नो. हां, ऐसा कुछ है. ऐसा कुछ है कि आई शुड बी स्कैर्ड? नो नो, इट्स इजी ओनली. यू विल गेट थ्रू. या हां, जस्ट लाइक मॉम डिड. दैट इज नॉट अ वेरी गुड एग्जांपल एक्चुअली. Should we, are we starting? Yes. Am I smelling this thing? Mm. Yes. ये smell तो आ रहा है कुछ, पर मेरे को पता नहीं. एक सेकेंड, क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं. क्या था ये smell? एक मिनट, वापस से. मुझे पता नहीं चला. फूक गया, पूरा फूक गया. अब कुछ वो फूक. मेरे breathe, वो मेरे I think exhale से हुआ होगा. It's okay, no worries. फिर से करते हैं. Okay, I can smell something, but I have no idea what this is. कुछ ऐसा जो हम पिज़्ज़ा के ऊपर डालते हैं. Oregano. Yes. Thank you. I love you. smell. मेरे को लगा मैं लाइफ में गेस नहीं कर पाऊंगी. पर आपको ऐसा हिंट देना चाहिए था मुझे भी. सॉरी यार, मेरे को लगा आप तो जीत ही जाओगे. चाय इजी था आपके लिए. मेरे को था आप जीत जाओगे, इसलिए मैंने नहीं दिया. चाय लवर हूँ. चलो, स्मेल ही नहीं आ रहा. सेकंड. हाँ, सेकंड. चलिए, am I smelling it? Yes. ये कॉफी है. अरे वाह. Yes.
मुझे लगता है इंग्रेडिएंट इजी दिए हैं। हाँ, ये ट्राई करते हैं। ओके, दिस वन सेकंड, दिस इज द थर्ड आइटम। यस, ये केचप है। ओह वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रहा है इसका। दिस इज इंटरेस्टिंग, ये कभी किया नहीं है मैंने। इट्स फन। अभी हाँ, अब आप स्मेल कीजिए। ये चॉकलेट है। सही है, बहुत बहुत अच्छे से स्मेल आ रहा है इसका। हाफ पॉइंट चॉकलेट से। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ये बहुत ये चीटिंग है, ये अब ज्यादा हो रहा है। एक मिनट, आप मेरे को वो प्लेट से भी कुछ स्मेल करा सकते हो? जस्ट टू चेक कि भाई मेरे को स्मेल बराबर गैस होता है कि नया आइटम है ये। ये कुछ अजीब है। देखना। ओह माय गॉड, मेरे को एक सेकंड अच्छे से स्मेल करो। हाँ हाँ, ये क्या, ये कैरेमल? ये स्मेल पता, कैरेमल है ये? सच्ची में? Great, I was not expecting this at all. But yeah, it was fun, yeah? Yes. It was a lot of fun. Amazing. Yeah, I was not expecting to win at all. So thank you. And it was a lot of fun having you guys here. I hope you had fun. Very much. Yes. And thank yes. you so much for taking the time and coming, and despite all the technical issues that we've had today. It was so not yeah. Anything that you'd like to share, you'd like to say, last I thoughts? As you invited us as a family, you should invite more people as family, because you know there are professional people and friends who do come, but yeah. I think family brings in more emotions and yeah. a lot of connections. It's more fun. Yeah. Yeah. So you can relate more, and it's more of telepathy. Yeah. Yeah. So yeah. I think that is something. I'll keep that in mind. I'll try to get as many families who are working together, and I'll keep that in mind for sure. You want to say something? Apart from this all, I must say you are so sweet. Oh, I'll cry. Thank you. मतलब ऐसा लगा नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं, ऐसे स्ट्रेंजर हैं, लाइक यू नो कि एक कंफर्ट जोन जो आता है ना, वो हमें आया। थैंक यू, थैंक यू, दैट्स अ वेरी गुड, दैट्स अ आई रियली अप्रिशिएट इट, दैट्स अ वेरी गुड कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर यू। थैंक यू, थैंक यू, सो मच, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, थैंक यू।